नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं इंग्लिश का लेसन 2.6, जिसका नाम क्या है, चेजिंग द सी मॉन्स्टर। तो ये चेजिंग का मतलब क्या होता है? तो देखो, चेजिंग यानी क्या, किसी का शिकार करना या फिर किसी का पीछा करना, ओके। और मॉन्स्टर मतलब क्या होता है, राक्षस या फिर भयंकर प्राणी, ठीक है। तो चेजिंग द सी मॉन्स्टर मतलब क्या, समुद्री राक्षस का पीछा, ओके। तो ये जो पैसेज है ना, इसके राइटर कौन है, तो इसके राइटर हैं जूल्स वर्न ने। देखो यहाँ पे राइटर का पूरा इंट्रोडक्शन दिया गया है। जूल्स वर्न ने वॉज अ फ्रेंच राइटर, ये क्या थे, फ्रेंच राइटर थे, एंड ही इज़ नोन एज अ फादर ऑफ साइंस फिक्शन। इनको किस रूप में जाना जाता है, तो साइंस फिक्शन का फादर इनको ऐसे करके कहा जाता है। अभी ये साइंस फिक्शन क्या होता है, देखो जब साइंस के बेस पे हम कुछ भविष्य के बारे में सोचते हैं, कल्पनाएं करते हैं, इमेजिन करते हैं, तो वही क्या हो जाता है, साइंस फिक्शन, ठीक है। और इन्होंने रॉकेट्स के बारे में लिखा है, फिर स्पेस ट्रैवल और सबमरीन्स के बारे में लिखा। इन्होंने ये सारी बातें कब लिखी, जब ये सारे थिंग्स क्या थे, अननोन, यानी जब इनके बारे में कोई नहीं जानता था तब, ठीक है। एंड इन दिस पैसेज फ्रॉम हिज नोवेल 20,000 लीग, और ये जो हमारा पैसेज है, ठीक है, तो ये कहाँ से लिया गया है, तो इनका एक नोवेल है 20,000 लीग, उसमें से लिया गया है। और यहाँ पे उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया है, ही डिस्क्राइब हाउ पीपल ऑन अ शिप थिंक ऑफ द सबमरीन एज एन एनिमल एंड ट्राई टू चेज एंड हंट इट। यानी एक सबमरीन रहता है, एक पनडुब्बी रहती है, जिसको ये लोग क्या समझते हैं, कोई एनिमल समझ करके उसको मारना चाहते हैं, उसका शिकार करना चाहते हैं, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे से यहाँ पे स्टोरी दी गई है, चलो इसको पढ़ते हैं और फिर समझते हैं। तो यहाँ पे क्या कहते हैं नरेटर कि आर फ्रिगेट वॉन्टेड टू गो बैक, बट द अनअर्थली एनिमल केम एट अस विथ अ स्पीड डबल आर ओन। वी गास्प मोर स्टर्न देन अफ्रेड, वी स्टूड म्यूट एंड इमोशनलेस। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे नरेटर कहते हैं, सबसे पहले मीनिंग समझ लेते हैं। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्रिगेट, फ्रिगेट स्मॉल स्पीडी शिप यूज्ड इन वॉर, यानी एक छोटी सी, मतलब छोटी सी नहीं, थोड़ी बड़ी ही है, एक स्पीडी शिप है जो जनरली कहाँ पे यूज़ की जाती है, तो वॉर के टाइम पे, यानी लड़ाई के टाइम पे, आप बोल सकते हो युद्ध पोत, ओके। और अनअर्थली मतलब क्या, स्ट्रेंज, नॉट लाइक दोज फाउंड ऑन अर्थ, यानी जो अर्थ पे नहीं पाया जाता हो, एक अजीब सा एनिमल, अनअर्थली मतलब एक अजीब सा कोई एनिमल, ठीक है। तो यहाँ पे नरेटर क्या लिखते हैं कि आर फ्रिगेट वांटेड टू गो बैक, यानी जो हमारा फ्रिगेट था, हमारी जो शिप थी, वो वापस जाना चाहती थी, बट द अनअर्थली एनिमल केम एट अस विथ अ डबल स्पीड आर ओन। लेकिन तभी क्या होता है कि एक अनअर्थली एनिमल्स, यानी एक स्ट्रेंज सा एनिमल, वो हमारे पास आता है, और कौन से स्पीड से आ रहा है, तो डबल स्पीड से आ रहा है, यानी हम जिस स्पीड से थे ना, उससे दोगुनी रफ्तार में वो हमारी तरफ आ रहा था। वी गास्प, गास्प मतलब क्या होता है बच्चों, हम घबरा गए, ठीक है, घबराना, हम क्या हो गए, घबरा गए। और मोर स्टर्न देन अफ्रेड, यानी डरने की बजाय, हमें उस टाइम पे डरना चाहिए था, लेकिन हम लोग कैसे थे, एकदम आश्चर्यचकित थे, ठीक है। वी स्टूड म्यूट एंड इमोशनलेस, और हम एकदम म्यूट, मतलब चुपचाप और बिना हिले डुले हम खड़े रहे, ठीक है। इतना समझ में आया आप लोगों को, चलिए अभी आगे पढ़ते हैं। आगे वो कहते हैं कि द एनिमल caught up with us, played with us, it made a full circle around the frigate and wrapped us in sheets of electricity that were like luminous dust. यानी जो वो एनिमल था ना, वो हमारे साथ क्या कर रहा था, खेल करते हुए हमारे साथ क्या हो गया, वो भिड़ गया, caught up with us, यानी कि हमारे साथ भिड़ गया। और उसने क्या किया, इट मेड अ फुल सर्कल अराउंड द फ्रिगेट, यानी उसने हमारा जो फ्रिगेट था, हमारा जो युद्धपोत था, उसका एक चक्कर उसने लगाया, मतलब गोलाई में ऐसे सर्कल की तरह उसने चक्कर लगाया, और हमें क्या किया, रैप्ड अस इन शीट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी, एक इलेक्ट्रिसिटी के शीट से हमको पूरा कवर कर लिया उसने, ठीक है, ऐसा लग रहा था। जो वो उसने कवर किया था, वो कैसा लग रहा था, लाइक अ ल्यूमिनस डस्ट, ल्यूमिनस डस्ट मतलब क्या, चमचमाती हुई धूल के जैसा वो लग रहा था, मतलब वो जो इलेक्ट्रिसिटी थी, जैसे वो ऐसे गोल गोल घूमा, ठीक है, तो ऐसा लग रहा था कि ये चमचमाती धूल के जैसा ये इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, ऐसे करके उन लोगों को लग रहा था। एट एनी इंस्टेंट, यानी कि वो किसी भी क्षण, इट कुड हैव डैश्ड अगेंस्ट आवर शिप, वो हमारे जो हमारी शिप है, मतलब फ्रिगेट, वो हमसे टकराने वाला है, ऐसा लग रहा था कि वो हमसे कभी भी टकरा सकता था। चलो अभी आगे देखते हैं। मीनवाइल I was surprised to see that our warship was fleeing, not fighting. I commented on this to Commander Farragut. His face ordinary
सो इमोशनलेस शोज ग्रेट एस्टोनिशमेंट. अभी देखना यहाँ पे नरेटर क्या कहते हैं कि इसी बीच क्या हुआ, आई वॉज सरप्राइज टू सी दैट आवर वॉरशिप वॉज फ्लिंग नॉट फाइटिंग. यानी जो हमारा वॉरशिप था, मतलब वो जो जहाज था, हमारा जंगी जहाज था, वो लड़ने की बजाय क्या हो रहा था, भाग रहा था. मतलब उसको उस टाइम पे लड़ना चाहिए था लेकिन वो तो भाग जाना चाहता था. आई कमेंटेड ऑन दिस टू कमांडर फैरागट. फिर मैंने ये सब देखने के बाद जो कमांडर थे हमारे शिप के फैरागट, उनको मैंने कमेंट किया, मतलब उनको बोला, ठीक है, मतलब ये सारी चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की तब मैंने उनको बोला, उनको कमेंट किया, ठीक है. हिज फेस ऑर्डिनरी सो इमोशनलेस. यानी वैसे तो उनका जो फेस है वो कैसा होता है, इमोशनलेस, यानी भाव रहित होता है. उनके चेहरे पे कोई भाव दिखाई नहीं पड़ते जल्दी से. बट उनका जो अभी चेहरा था ना, वो भी कैसा था, आश्चर्यचकित था. ग्रेट एस्टोनिशमेंट यानी कि बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित होना. तो उनका चेहरा भी वो सारी चीज़ें देखने के बाद, उस एनिमल को देखने के बाद कैसा हो गया था, आश्चर्यचकित हो गया था. ठीक है, चलो अभी आगे देखो. प्रोफेसर एरोनेक्स ही आंसर्ड मी, आई डोंट नो वॉट काइंड ऑफ फियरसम क्रिएचर आई एम अप अगेंस्ट एंड आई डोंट वॉन्ट माई फ्रिगेट रनिंग फुलिश रिस्क इन ऑल दिस डार्कनेस. बिसाइड्स हाउ शुड वी अटैक दिस अननोन क्रिएचर, हाउ शुड वी डिफेंड आवर सेल्स अगेंस्ट इट, लेट अस वेट फॉर डे लाइट एंड देन वील प्ले अ डिफरेंट रोल. देखो स्टूडेंट्स, अभी यहाँ पे इन्होंने वो जो कमांडर था, कमांडर फैरागट, उसको कमेंट किया ना, तो वो उत्तर क्या देता है, आंसर देता है प्रोफेसर एरोनेक्स. ही आंसर्ड में उसने प्रोफेसर एरोनेक्स यानी कि जो नरेटर है उनको आंसर दिया. क्या कहा, आई डोंट नो वॉट काइंड ऑफ फियरसम क्रिएचर आई एम अप अगेंस्ट. यानी मुझे नहीं पता कि ये भयंकर सा दिखने वाला प्राणी कौन है जिसका हमको सामना करना पड़ रहा है. फियरसम यानी कि बहुत ही भयंकर, डरावना सा क्रिएचर यानी वो प्राणी को बोला जा रहा है. तो मैं नहीं जानता कि ये कौन है जिसका हमको सामना करना पड़ रहा है. आई डोंट वॉन्ट माई फ्रिगेट रनिंग फुलिश रिस्क इन ऑल दिस डार्कनेस. और फिर यहाँ पे क्या कहते हैं कि और मैं ये नहीं चाहता कि जो ये हमारा फ्रिगेट है मैं इसको कोई भी रिस्क लूँ, क्योंकि अभी क्या था, अंधेरा था. ठीक है, अंधेरे में अभी ये लोग कुछ भी कदम उठाते तो वो रिस्की हो जाता ना. तो ये कहते हैं कि मैं कोई भी अभी रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, मैं अपने फ्रिगेट को खतरे में नहीं डाल सकता. ठीक है, फिर आप कहते हैं बिसाइड्स हाउ शुड वी अटैक दिस अननोन क्रिएचर, हाउ शुड वी डिफेंड आवरसेल्व्स अगेंस्ट इट, लेट अस वेट फॉर डे लाइट एंड देन वील प्ले अ डिफरेंट रोल. फिर ये कहते हैं कि इसके अलावा ये जो ये अननोन क्रिएचर है यानी कि अननोन मतलब जिसके बारे में किसी को भी कुछ भी पता नहीं है, जो अज्ञात सा ये जो प्राणी है, इस पर हम हमला कैसे करेंगे, अपने आप को कैसे बचाएंगे, इसके बारे में हम लोग बाद में सोचेंगे. ठीक है, यानी जब सुबह होगा, डे लाइट का हम लोग वेट करते हैं, जब सुबह हो जाएगी तब हम लोग कोई ना कोई तरकीब तो सोचेंगे ही कि इसका क्या करना है, कैसे इससे निपटना है, क्या क्या करना है, ये सारी चीज़ें. ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को. चलो अभी आगे देखते हैं. अभी आगे क्या कहते हैं, द होल क्रू स्टेड ऑन देयर फीट ऑल नाइट लॉन्ग. यानी कि जो पूरी क्रू मतलब क्या होता है स्टूडेंट, क्रू मतलब ना जो कर्मचारी होते हैं ना वहाँ पे काम करने वाले शिप में, तो वो लोग तो सभी के सभी जो क्रीव थी वे सभी जागते हुए उन्होंने अपनी रात काट दी. नो वन इवन थॉट ऑफ स्लीपिंग, और किसी ने भी सोचने के बारे में तो सोचा भी नहीं. अनेबल टू कम्पीट विथ द मॉन्स्टर स्पीड आर फ्रिगेट द अब्राहम लिंकन स्लो डाउन. यानी जो हमारी अब्राहम लिंकन ये जो स्पीड थी शिप थी वो जो इस ये जो फियरसम क्रिएचर था, ये भयंकर सा जो प्राणी था, इसका तो उसकी स्पीड को तो ये कम्पीट नहीं कर पा रही थी. ठीक है, उसका सामना तो वो नहीं कर पा रही थी, मतलब वो जिस स्पीड से भाग रहा था वैसे तो हमारी स्पीड नहीं चल पा रही थी. तो इसलिए जो हमारी शिप थी वो कैसी हो गई, अब्राहम लिंकन. शिप का नाम क्या था याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन आंसर जब ऐसे आएंगे ना तो आपको पूछा जा सकता है कि वॉरशिप यानी फ्रिगेट का नाम क्या था, तो आपको बताना पड़ेगा. फिर नरेटर का नाम क्या था, तो वो भी आप लोगों को बताना पड़ेगा. सो नरेटर का नाम क्या था, प्रोफेसर एरोनेक्स, और जो आपकी शिप है उसका नाम क्या था, तो अब्राहम लिंकन. ओके, तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि वो जो अब्राहम लिंकन थी वो क्या हो गई, थोड़ी उसकी स्पीड थोड़ी कम हो गई. ठीक है, फिर आके देखो क्या होता है कि फॉर इट्स पार्ट द एनिमल मिमिक द फ्रिगेट simply rode with the waves but did not leave the field of battle. मतलब जब हमारी ship क्या हुई, slow down हुई, थोड़ी धीरी हुई, तो वो जो animal था ना उसने उसका copy किया. क्या किया, copy किया हमारे frigate का. मतलब
हमारी मिमिक यानी क्या होता है स्टूडेंट, कॉपी करना। उसने हमारे फ्रिगेट का कॉपी किया और वो किसके साथ चल रहा था, तो लहरें जो वेव्स थी ना उनके साथ वो चल रहा था। बट डिड नॉट लीव द फील्ड्स ऑफ बैटल, लेकिन उसने जो बैटल यानी जो लड़ाई का मैदान था उसको उसने नहीं छोड़ा। ठीक है, किसने नहीं छोड़ा, तो वो जो मॉन्स्टर था उसने नहीं छोड़ा। ठीक है, चलो अभी आगे देखते हैं, आगे क्या दिया गया है। However, near midnight it disappeared. Or to use a more appropriate expression, it went out like a huge glowworm. यानी near midnight मतलब जब आधी रात्रि हुई तभी ये जो monster था ये disappeared हो गया। Disappeared यानी क्या होता है student? गायब हो जाना, वो गायब हो जाएगा, गायब हो गया। या फिर और अगर अच्छे से इसको बोला जाए तो वो क्या हुआ, एक ह्यूज ग्लोवर्म, ग्लोवर्म मतलब जिगनू के जैसा वो गायब हो गया, ऐसा अगर बोला जाए तो, क्योंकि वो डिसअपीयर्ड हो गया। मतलब एक बार से तो वो कैसे चमक रहा था, एकदम चमचम चमचम चमक रहा था और अचानक से वो गायब हो गया। तो जुगनू ही चमकते हैं ना, फिर गायब हो जाते, तो यहाँ पे ग्लोवर्म के बारे में बताया जा रहा है। फिर आगे देखो, हैड इट फ्लेड फ्रॉम अस, यानी क्या ये हमसे दूर चला गया था। वी डिडंट नो एंड वर फिल्ड विद फियर एंड होप एट द सेम टाइम, यानी हमको कुछ पता नहीं था कि वो हमसे दूर गया है या फिर हमारे पास में है। एक तो हमको डर भी लग रहा था और हमारे मन में एक आशा भी थी कि शायद से वो हमसे दूर चला गया हो। बट एट 12:53, लेकिन तभी क्या होता है 12:53 पे, 12:53 को अ डिफनिंग हिस कुड बी हार्ड। डिफनिंग यानी क्या, बहरा कर देने वाली, कानों को बहरा कर देने वाली हिस। हिस यानी क्या, जैसे सरसराहट भरी, हमको कानों को बहरा करने देने वाली सरसराहट भरी, सरसराहट भरी आवाज़ हमको सुनाई दी। रिजेंबलिंग द साउंड मेड बाई अ वाटर स्पाउट एक्सपेल्ड विथ ट्रेमेंडस इंटेंसिटी, और वो जो आवाज़ थी वो कैसे लग रही थी, रिजेंबलिंग द साउंड मेड बाई वाटर, जैसे वाटर स्पाउट की वजह से, यानी जब पानी कहीं ऊपर से समझो गिर रहा है तो कैसे वो आवाज़ करता है ना, वैसे ही वो एकदम से आवाज़ उसने किया। और ट्रेमेंडस इंटेंसिटी यानी कि वो उसका जो भाव था, ठीक है, वो भी बड़ा ही तेज था। ओके, तो ऐसा लगा कि वाटर स्पाउट की जैसा हमको आवाज़ सुनाई दिया। ठीक है, आगे देखो, बाई देन कमांडर फैरागट नेड लैंड एंड आई वर ऑन द आफ्टर डेक पियरिंग ईगरली इन टू द डार्कनेस। ठीक है, तभी क्या हुआ, इतने में कमांडर फैरागट नेड लैंड और मैं, आई यानी मैं, ठीक है, नरेटर यहाँ बता रहे हैं कि तभी क्या होता है कि कमांडर फैरागट नेड लैंड और मैं कहाँ पर आ गए, जो आफ्टर डेक था यानी जो शिप का ऊपरी भाग था, ठीक है, उस पर आ पहुँचे और जो अंधेरा था उसमें हम लोग एकदम ध्यान से देखने लगे। ठीक है, एकदम ध्यान से उसमें देखने लगे। फिर टेल मी नेड लैंड इजंट दैट नॉइज सिटेशियंस मेक व्हेन दे स्पर्ट वाटर फ्रॉम देयर ब्लो होल्स। फिर यहाँ पे नरेटर किसको पूछ रहे हैं, नेड लैंड को पूछ रहे हैं कि नेड लैंड मुझे बताओ, इजंट दैट द नॉइज सिटेशियंस मेक व्हेन दे स्पर्ट वाटर फ्रॉम देयर ब्लो होल्स, मतलब ये आवाज़ कैसी थी, ये आवाज़ जैसे जो सिटेशियंस होते, सिटेशियंस मतलब क्या, मरीन एनिमल्स लाइक अ वेल, यानी वेल के जैसे कोई मरीन एनिमल्स होते हैं वो। ठीक है, तो ये सिटेशियंस के जैसा आवाज़ नहीं था, जैसे वो लोग क्या करते हैं जब वो अपने ब्लो होल्स यानी जो उनका सांस लेने वाला रहता है, ठीक है, तो उससे जब वो पानी निकालते हैं उसको अंदर करते हैं, तो वैसा नहीं लग रहा था, ये आवाज़ कुछ वैसे ही थी ना, ऐसा वो पूछ रहे हैं नेड लैंड से। द वेरी नॉइज सर बट दिस वंस वे लाउडर, यानी ये तो बिल्कुल वैसी ही आवाज़ थी, मतलब इन्होंने इनसे पूछा ना कि ये वैसी आवाज़ नहीं थी, तो ये क्या कहते हैं, बिल्कुल वैसी ही आवाज़ थी, पर ये जो आवाज़ है ना ये उससे भी ज़्यादा जोर की है। ठीक है, देयर कैन बी नो मिस्टेक, देयर आर डेफिनेटली वेल लर्किंग इन आर वाटर्स। फिर इन्होंने क्या बोला कि इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, इसमें कोई गलती नहीं हो सकती, निश्चित ही एक कोई तो ब्लू वेल है यानी कोई सेटेशियन है जो क्या कर रही है, ये पानी में इधर कहीं पे छुप रही है। लर्किंग यानी क्या होता है बच्चों, हाइडिंग यानी छुपना। देखो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, देखो लर्किंग यानी क्या होता है, हाइडिंग यानी छुपना, यानी कि जो वेल है सिटेशन जो है वो हमसे क्या कर रही है, छुप रही है। चलो अभी आके देखते हैं, नियर 2:00 इन द मॉर्निंग द कोर ऑफ लाइट री अपीयर्ड 5 miles अवे फ्रॉम द अब्राहम लिंकन। और फिर क्या होता है कि लगभग सुबह के 2 बजे के आसपास जो अब्राहम लिंकन है उससे 5 मील के दूरी पर एक तेज प्रकाश फिर से दिखाई दिया। ठीक है, कोर ऑफ लाइट रीअपीयर्ड यानी कि फिर से हमको लाइट दिखाई दिया।
वी स्टेड ऑन द अलर्ट अनटिल डे लाइट गेटिंग रेडी फॉर एक्शन, यानी कि हम क्या हुए थे, यानी कि हम दिन निकलने तक क्या कर रहे थे, मतलब तैयार हो रहे थे एक्शन के लिए, कि हमको किसी भी क्षण क्या करना पड़ सकता है, एक्शन लेना पड़ सकता है, यानी उसके ऊपर अटैक करना पड़ सकता है, तो इसीलिए लोग सब लोग क्या हो रहे थे, तैयार हो रहे थे। वेलिंगेयर वॉज सेट अप अलॉन्ग द रेलिंग्स, यानी वेलिंगेयर क्या होता है, एक इक्विपमेंट होता है जो वेल्स को पकड़ने के लिए काम आता है, ठीक है। तो वेलिंगेयर्स वो सभी रेलिंग्स के पास रख दिए गए, रेलिंग्स मतलब क्या, जो शिप था उसके किनारे के पास तैनात कर दिया गया। एंड उसके बाद आर चीफ ऑफिसर लोडेड द ब्लंडर बसेस विच कैन लॉन्च हार्पून्स एज फार एज माइल एंड लॉन्ग डग गन्स विद एक्सप्लोडिंग बुलेट्स दैट कैन बी वाउंड एंड किल इवन द मोस्ट पावरफुल एनिमल्स। और क्या कर रहे थे ये लोग, तो जो इनके जो चीफ ऑफिसर थे उन्होंने क्या किया, ब्लंडर बसेस को लोड कर लिया। ब्लंडर बसेस एक टाइप की गन होती है, ठीक है, विच कैन लॉन्च हारपून्स, जो क्या कर सकते हैं, जो हारपून्स होते हैं ना उसको लॉन्च कर सकते हैं। हारपून यानी क्या होता है स्टूडेंट, तो ऐसे करके भाले जैसा होता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, ब्लंडर बसेस को क्या कर लिया, लोड कर लिया, और जो क्या कर सकता था, दूरी पे दूरी मतलब कितनी भी दूरी पे कोई एनिमल रहेगा, एज फार एज अ माइल यानी एक मील की अगर दूरी पे रहेगा ना, मतलब एक मील या फिर उससे भी थोड़ा कम ज़्यादा ऐसे करके हो सकता है, तो वो उसके ऊपर हमला कर सकता है, ऐसा वो ब्लंडर बसेस यानी कि वो जो गन था, एक टाइप का गन ही होता है ब्लंडर बसेस, मतलब एक टाइप का गन ही होता है जिससे हारपून्स को लॉन्च किया जाता है, तो वो मार सकता था। एंड लॉन्ग डग गन्स वॉज विथ एक्सप्लोडिंग बुलेट्स, और ये भी एक टाइप का गन ही है, ठीक है, यहाँ पे गन के बारे में बता रहा है, जो पूरा जो एकदम से तैयार था हमला करने के लिए, बुलेट्स उसमें भर दिए गए, ठीक है, तैयार कर दिया गया उसका, उसको जो एकदम रेडी था, किस लिए रेडी था, तो वो जो चाहे कितना भी पावरफुल एनिमल्स हो, ठीक है, वो यहाँ पे लिखा है ना, कितना भी पावरफुल एनिमल्स हो वो उसको मार सकता है और उसको घायल कर सकता है, ठीक है। ऐसे करके ये लोगों ने पूरी अपनी तैयारी कर ली उसको मारने के लिए। नेड लैंड वॉज कंटेंट टू शार्पन हिज हार्पून अ ड्रेडफुल वेपन इन हिज हैंड्स, यानी कि वो जो नेड लैंड थे वो क्या कर रहे थे, उनका जो हारपून था यानी कि जो उनका भाला था उसको और उसकी जो धार थी उसको तेज कर रहे थे, एंड उन्होंने उसको तेज करके, धार को तेज करके अपने हाथों में ले लिया था, क्योंकि ये सभी लोग उस एनिमल को मारना चाहते हैं ना, वो जो सी मॉन्स्टर है, जो कि एक कोई एनिमल नहीं रहता है बल्कि एक सबमरीन ही रहता है, लेकिन ये लोगों को कैसा लगता है, क्योंकि ये लोगों ने पहले कभी उसको देखा नहीं ना, जब देखा नहीं तो कैसे जान सकते हैं कि क्या है, तो इसके लिए उन लोगों को लगता है कि ये कोई बहुत ही खतरनाक सा प्राणी है, कोई एनिमल है, इसलिए उसको मारने की इतनी सारी तैयारी ये लोग करते हैं, ठीक है। तो चलो अभी आगे पढ़ते हैं, इतना तो आप लोगों को समझ में आया ना, वैसे लास्ट में देखना थोड़ा लगेगा, ये लोग क्या करते हैं ना, वो जो सबमरीन रहता है उसके ऊपर हमला कर देते, फिर उसका नतीजा क्या होता है कि इन्हीं लोगों की शिप पूरी की पूरी टूट जाती है, ठीक है। तो अभी देखेंगे हम लोग आगे धीरे धीरे करके, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सब कुछ देखेंगे, बस आप हमारे साथ बने रहिए। At 6 o'clock, day began to break and with dawn's early light, the animal's electric glow disappeared. यहाँ पे narrator क्या कहते हैं कि 6 बजे, जब ये सुबह का 6 बजा तभी उजाला होने लगा, और इसके कारण जो एनिमल का वो इलेक्ट्रिक ग्लो था, यानी पहले कैसे एनिमल चमक रहा था अंधेरे में, अभी वो चमकना बंद हो गया। एट 7 o'clock, अभी 7 बजे क्या होता है, देखो, अ वेरी डेंस मॉर्निंग मिस्ट स्प्रेड अराउंड अस, यानी हमारे चारों तरफ क्या हो गया, एक कोहरा जैसा छा गया, मिस्ट यानी क्या, जैसे कोहरा, ठंडी के दिनों में आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे कोहरा छा जाता है, हम लोग को पास पास व्यक्ति रहेंगे ना, फिर भी हम लोग देख नहीं पाते एक दूसरे को कोहरे की वजह से, तो ऐसे करके कोहरा पूरा छा गया। आवर बेस्ट स्पाई ग्लासेस वर अनेबल टू पियर्स इट, द आउटकम डिसअपॉइंटमेंट एंड एंगर, मतलब जो हमारे बेस्ट स्पाई ग्लासेस थे, स्पाई ग्लासेस मतलब जिसको हम देख सकते थे दूर तक, मतलब वो अगर वो ग्लासेस पहनते ना तो हम दूर दूर तक देख सकते थे, वैसा हमारे पास वो स्पाई ग्लासेस था, तो वो भी वो जो कोहरा था उसको वो भेद नहीं पा रहा था, ठीक है, मतलब उसकी हेल्प से भी हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर इसका रिजल्ट क्या होता है, डिसअपॉइंटमेंट एंड एंगर, यानी कि ये लोग बहुत निराश हो जाते हैं और एकदम से इनको गुस्सा भी आता है। क्यों गुस्सा आता है, क्योंकि एक तो वो एनिमल परेशान कर रहा था, ऊपर से ये कोहरा भी आ गया, तो किसी को भी गुस्सा आएगा, और उस टाइम पे वो स्पाई ग्लासेस भी काम नहीं कर रहे थे, सोचिए इतनी सारी चीज़ें एक साथ होंगी तो किसी को भी गुस्सा तो आएगा ना। चलो आगे देखते हैं। एट 8 o'clock द मिस्ट रोल्ड अवे एंड द होरिजोन ग्रीव वाइडर एंड क्लियरर, यानी 8 बजे क्या होता है, जब सुबह के 8 बजे ना,
तो जो मिस्ट था यानी वो जो कोहरा था वो पूरा के पूरा हट गया, छट गया वहाँ से, और अभी सब कुछ इनको साफ साफ स्वच्छ स्वच्छ दिखाई दे रहा था। सडनली फिर अचानक से क्या हुआ कि नेड लैंड्स वॉइस कुड बी हर्ड, यानी नेड लैंड की आवाज़ सुनाई दी। क्या कहते हैं कि दे आर थिंक इन क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन एस्टर्न टू पोर्ट, मतलब हम जिसका इंतज़ार कर रहे थे वहाँ पे कोई तो वही चीज़ है। द हार्पूनर शाउटेड, हार्पूनर मीन्स नेड लैंड, ठीक है। एस्टर्न टू पोर्ट यानी क्या, पीछे की तरफ, जहाज के पीछे। एवरी आई लुक टूवर्ड्स द पॉइंट इंडिकेटेड, देखो हार्पूनर ने मतलब नेडलैंड ने क्या बोल रहे, नेडलैंड क्या बोल रहे थे कि वहाँ पे कुछ तो है, वो जो जहाज के पीछे कुछ तो है। सब लोग उसी की तरफ देखने लगे, ऐसे उंगली जिस तरफ उन्होंने अपना उंगली दिखाई थी, जिस तरफ उन्होंने अपना हाथ दिखाया था उसी की तरफ सब लोग देखने लगे। दे आर सम माइल एंड हाफ फ्रॉम द फ्रिगेट अ लॉन्ग ब्लैकिश बॉडी इमर्ज्ड अ मीटर अबोव द वेव्स। तभी क्या होता है कि लगभग अ माइल एंड हाफ, यानी कि एक और आधा, डेढ़ मीटर, ठीक है, लगभग डेढ़ मीटर की दूरी पर, फ्रिगेट से डेढ़ मीटर की दूरी पर इन्होंने क्या देखा, एक ब्लैकिश बॉडी, ब्लैकिश मतलब एक काली काली और बॉडी थी जो कैसे, जो ना ऐसा लग रहा था कि लहरों के ऊपर है, लहरों के ऊपर वो तैर रही है ऐसा लग रहा था। मतलब एक जैसे ये लहर है तो इसके ऊपर इसकी बॉडी ऐसे करके थोड़ी सी थी, तो ये लोगों ने उसको देखा। एंड क्वेरिंग वॉयलेंटली इट स्टिल वॉज क्रिएटिंग अ कंसिडरेबल करंट, यानी कि क्वेरिंग यानी क्या होता है बच्चों, क्वेरिंग वॉयलेंटली यानी सरसराती और थरथराती, ठीक है। तो वो जो उसकी पूंछ थी ना वो ऐसा लग रहा था कि वो क्या कर रही है, करंट को वो फ्लो कर रही है। करंट यानी क्या, ऐसे करके करंट उठता है ना, तो वैसे करके ऐसा लग रहा था कि वो फ्लो करवा रही है उसकी पूंछ। ओके चलो अभी आगे देखते हैं, ये पिक्चर भी यहाँ पे कहीं होगा, आप देखोगे आगे जाओगे तो यहाँ पे, अभी तो पिक्चर ये देखो यहाँ पे, ये देखो ऐसे करके, ये है आपका सबमरीन और ये लोगों का शिप है, ठीक है। चलो अभी आगे देखते हैं, यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया, अभी आगे देखते हैं। द क्रू वर वेटिंग impatiently फॉर orders फ्रॉम their लीडर, यानी जो कर्मचारी थे वो अपने लीडर्स का इंतज़ार कर रहे थे कि उनका ऑर्डर कब मिले इन लोगों को, और वो जो एनिमल है उसके ऊपर वो लोग अटैक करें। impatiently यानी कि बेचैनी के साथ एकदम इंतज़ार कर रहे थे। द लेटर आफ्टर केयरफुली ऑब्जर्विंग द एनिमल ऑर्डर द इंजीनियर टू सेल फुल स्टीम टूवर्ड्स द एनिमल, यानी कि वो जो लोग थे, जो लीडर्स थे, उन्होंने एकदम अच्छे से जब सब कुछ देख लिया, एकदम अच्छे से पूरा निरीक्षण कर लिया, तब उन्होंने इंजीनियर को क्या बोला कि वो क्या करे, जो उनकी शिप है उसको उस एनिमल के पास बहुत ही तेज़ी से लेकर के जाए। थ्री चीयर्स ग्रीटेड दिस ऑर्डर, द आर ऑफ बैटल हैज साउंडेड, यानी जब ये आदेश सबने सुना ना तो सबको बड़ी ही खुशी हुई, क्योंकि सब लोग इसी का इंतज़ार कर रहे थे, राइट, और अब लड़ाई का समय आ चुका था। चलो आगे देखते हैं। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर द अब्राहम लिंकन हेडेड स्ट्रेट फॉर द एनिमल अनकंसर्न द लेटर लेटर्स कम नियरर इट गॉट अप अ लिटिल स्पीड एंड किप्ट इट्स डिस्टेंस। देखो फ्रेंड्स अभी यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अ फ्यू मोमेंट्स लेटर यानी कि कुछ ही मिनटों में द अब्राहम लिंकन हेडेड स्ट्रेट फॉर द एनिमल यानी कि जो हमारा अब्राहम लिंकन था यानी जो हमारा शिप था उसने उस वो जो एनिमल था उसकी तरफ वो आगे बढ़ने लगा। अनकंसर्न द लेटर लेटस कम नियरर, ठीक है, तो उसने क्या किया, हमको ना आसानी से उसके पास जाने दिया। यहाँ पे लेटर किसको बोला जा रहा है, तो वो एनिमल को। ओके उसने हमको एकदम आसानी से, इट गॉट अप लिटिल स्पीड एंड केप्ट इट्स डिस्टेंस, यानी कि सुनो ध्यान से, उसने हमको आसानी से अपने पास जाने दिया, ठीक है, और फिर जब हम उसके पास पहुँचने वाले थे तभी, मतलब देखो जैसे शिप यहाँ पे है ना, तो ये एनिमल यहाँ पे, तो जब शिप यहाँ पे आती है तो ये एनिमल ये डिस्टेंस उतना बना करके रखता है, ठीक है, फिर वो यहाँ पे पहुँच जाता है। मतलब ज़्यादा दूर तो होता नहीं है, लेकिन वो उससे मतलब उनके फ्रिगेट से और फ्रिगेट और एनिमल के जो बीच की दूरी है ना वो बनी रहती है, वो कम नहीं होती है, ठीक है। चलो अभी आगे देखते हैं क्या दिया गया है। दिस चेस ड्रैग ऑन फॉर अबाउट 3/4 ऑफ एन आवर विदाउट द फ्रिगेट गेटिंग एनी क्लोजर टू द सी एनिमल एट दिस रेट इट वॉज ऑब्वियस दैट वी वुड नेवर कैच अप विथ इट। क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि दिस चेस ड्रैग ऑन फॉर अबाउट 3/4 ऑफ एन आवर, यानी कि ये जो पीछा था, ये जो हम लोग इसका पीछा कर रहे थे इस एनिमल का, ये लगभग 45 मिनट तक चला। कितने 45 मिनट तक,
ठीक है। लेकिन फिर भी ये जो हमारी जहाज थी, ये जो हमारी शिप थी ना, ये उस अननोन क्रिएचर तक नहीं पहुंच पाई। और अगर हम लोग ऐसे ही चलते तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि हम उसके पास कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे, है ना। यहाँ पे देखो दिया है एट दिस रेट, अगर यही कंडीशन बना रहा ना, इट वॉज ऑब्वियस दैट, ये तो ऑब्वियस था कि दैट वी वुड नेवर कैच अप विथ इट, यानी हम उसको कभी भी पकड़ नहीं पाएंगे, उसके पास कभी भी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हम आगे जाते तो वो एनिमल भी आगे जाता है। जब हमारी स्पीड स्लो होती है तो उसकी भी स्पीड स्लो हो जाती है, जब हम तेज करते हैं तो उसकी भी स्पीड बढ़ जाती है ना। वो हमारी कॉपी कर रहा था, तभी यहाँ पे बोल रहे कि अगर ऐसा चलता रहा तब तो हम इस तक कभी भी नहीं पहुँच पाएंगे। द अब्राहम लिंकन गैदर स्पीड बट सो डिड द एनिमल, यानी जो अब्राहम लिंकन था उसने स्पीड पकड़ी, लेकिन जो एनिमल था वो भी ऐसा कर रहा था। मतलब जब अब्राहम लिंकन स्पीड पकड़ रही थी तो ये भी स्पीड पकड़ ले रहा था। दिस वेंट ऑन फॉर द नेक्स्ट आर, यानी वो लगभग एक घंटे तक ऐसा ही चलता रहा। द अब्राहम लिंकन वॉज नाउ स्पीडिंग सो मच दैट इट्स मस्ट ट्रेम्बल डाउन टू देयर ब्लॉक्स, यानी अभी जो हमारा अब्राहम लिंकन था उसने अपनी स्पीड इतनी बढ़ाई कि जो उसका मास्ट था वो कैसा हो गया, कांपने लगा। ठीक है, ऐसा लग रहा था कि गिर जाएगा। अभी मास्ट क्या होता है, तो जो शिप में वो डंडी लगी रहती है ना ऐसे करके, जिसमें ऐसे कपड़े टांगते हैं, तो वो हिलने लगा पूरा। ठीक है, वॉट अ चेज, मतलब अभी यहाँ पे नरेटर कह रहे हैं अरे वो क्या पीछा था। नो आई कांट डिस्क्राइब द एक्साइटमेंट दैट शुक माई वेरी बींग, मतलब जिसने मुझे पूरा अंदर से हिला करके रख दिया, मैं उस एक्साइटमेंट को डिस्क्राइब नहीं कर सकता। नेडलैंड स्टेड एट हिज पोस्ट, और जो नेडलैंड थे वो अपने पोस्ट पे ही रहे, हार्पून इन हैंड, और उनके हाथ में वो हार्पून था। सेवरल टाइम्स द एनिमल लेट अस अप्रोच, यानी कि कई बार तो ऐसा लगा कि हम वो जो एनिमल है, ठीक है, उसके पास तक पहुंच जाते थे। ठीक है, मतलब उसके बहुत पास पहुंच जाते थे वो एनिमल के पास। देन जस्ट एज अ हार्पूनर वॉज अबाउट टू स्ट्राइक द सिटेशन वुड स्टिल ऑफ स्विफ्टली, यानी जब हमको लगता था कि हम उसके पास पहुंच गए, और जो ही जो हार्पूनर थे, यानी जिनके हाथ में जो भाला था नेडलैंड, ओके, तो जब वो उसको मारना चाहते थे तभी जो सिटेशन था वो फटाक से वहां से भाग जाता था। मतलब जब मारने की कोशिश करते थे तब वो फटाक से वहां से भाग जाता था। कमांडर फैरागट देन डिसाइडेड टू यूज मोर डायरेक्ट मेथड, तभी जो कमांडर फैरागट थे उन्होंने ज़्यादा डायरेक्ट मेथड यूज करने का सोचा। ओके, मतलब डायरेक्टली इसको किसी ना किसी तरीके से तो हम इसको मार के ही रहेंगे। बाह ही सेड सो दैट एनिमल इज फास्टर देन द अब्राहम लिंकन, ऑल राइट मैट मैन द गन इन द बो। देखो अभी क्या होता है, वो क्या कहते हैं, वाह ही सेड, उन्होंने कहा, क्या कहते हैं कि वो जो एनिमल है, ठीक है, वो क्या है, अब्राहम लिंकन से ज़्यादा तेज है, बहुत ज़्यादा फास्टर है। ऑल राइट मैन, लेकिन फिर भी जाने दो, कोई बात नहीं, ऑल राइट मेट, यानी फिर भी कोई बात नहीं है। मैन द गन इन द बो, फिर वो क्या कहते हैं कि क्या करो, वो हमारी अब्राहम लिंकन से भी तेज है, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी आप लोग क्या करो, मैट मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग किसी हमारा दोस्त रहता है उसको मैट कभी कभी ऐसा बोल देते हैं, तो यह कहते हैं कि आप लोग क्या करो, जो आपकी गन है उसको चलाओ, मतलब उसके ऊपर हमला करो, ऐसे करके उन्होंने बोला। तो फिर देखो आगे क्या होता है, आर फोर कासल कैनन वॉज इमिजिएटली लोडेड एंड लेवर्ड, और जो इनकी फोर कासल कैनन थी, कैनन मतलब क्या होता है, तोप आप बोल सकते हो, ठीक है, तो तोप का गोला इन्होंने क्या किया, जल्दी से भर लिया और एकदम से तैयार हो गए उसके ऊपर हमला करने के लिए। द कैनोनियर, यानी कि कैनोनियर मतलब तोप को चलाने वाला, फायर्ड अ शॉट, उसने क्या किया, गोला छोड़ा, बट हिज सेल पास सम फीट अबव द सिटेशन विच स्टेड हाफ अ माइल ऑफ, यानी उन्होंने जो कैनोनियर थे मतलब जो तोप चलाने वाले थे, उन्होंने अपना तोप का गोला छोड़ा तो सही, लेकिन वो सिटेशन को नहीं लगा, मतलब उसके थोड़ा सा ऊपर से वो निकल गया। ओके, और लगभग कुछ फुट की दूरी से वो निकल गया और जाकर के वहीं पे गिर गया। ओके, मतलब वो सिटेशन को नहीं लग पाया वो तोप। ओवर टू समबडी विद बेटर एम द कमांडर शाउटेड एंड $500 टू द मैन हु कैन पियर्स दैट इनफर्नल बीस्ट। अभी देखो यहाँ पे जो कमांडर है वो चिल्लाते हैं, क्या कहते हैं कि ओवर टू समबडी विद बेटर एम, मतलब कोई ऐसा है जिसका यहाँ पे निशाना कैसा है, अचूक है, यानी जिसका निशाना कभी भी खाली नहीं जाता, वो जिस चीज़ को मारना चाहता है उसको मार के ही दम लेता है, कोई ऐसा है
और फिर कहते हैं कि जो भी ऐसा करेगा, ठीक है, जो इस ये जो इन्फर्नल बीस्ट है, यानी एकदम खतरनाक सा ये जो प्राणी है, बहुत ही बेकार सा, जिसने हमको परेशान करके रखा है, जो इसको मारेगा उसको क्या किया जाएगा, तो $500 इनाम दिया जाएगा, ठीक है, जो इसके टुकड़े टुकड़े कर देगा, जो इसको ख़त्म कर देगा, इसको मार देगा, उसको इतना इनाम दिया जाएगा, कितना, $500। चलो अभी आगे देखते हैं, अभी थोड़ा सा ही हमारा लेसन बचा हुआ है, ये पढ़ेंगे, उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये फिनिश्ड हो जाएगा। तो आगे क्या होता है देखो, काम ऑफ आई कूल ऑफ फीचर एंड ओल्ड ग्रे बर्डेड गनर, आई कैन सी हिम टू दिस डे, अप्रोच द कैनन, पुट इन द पोजिशन एंड टुक एम फॉर अ गुड वाइल, देयर वॉज माइटी एक्सप्लोजन मिंगल विथ चीयर्स फ्रॉम द क्रू। देखो क्या होता है, तभी ना एक काम ऑफ आई, काम ऑफ आई मतलब क्या, शांत आंखें, कूल फीचर यानी चेहरे पे एकदम ठंडा सा भाव, और एक सफ़ेद दाढ़ी वाले कोई गनर थे, निशानेबाज थे, जो आए और उन्होंने क्या बोला कि मैं आज इसको देख लूंगा, आई कैन सी हिम टू दिस डे, मतलब इसने जो हम लोगों को इतना परेशान करके रखा है, आज मैं इसको देख लूंगा। और ऐसा कहते हुए वो कैनन के पास, मतलब वो जो तोप था उसके पास वो पहुंचे, और उन्होंने अपनी पोजीशन ले ली, फिर उन्होंने निशाना लगाया, ठीक है, फिर क्या होता है, देयर वॉज माइटी एक्सप्लोजन, यानी कि जबरदस्त क्या हुआ, एक्सप्लोजन यानी विस्फोट हुआ, मिंगल विथ चीयर्स फ्रॉम द क्यू, यानी उसी विस्फोट के साथ जो क्रीव थी यानी जो कर्मचारी थे वो लोग भी ऐसे चिल्लाने लगे, जैसे खुशी खुशी नहीं हो जाते, एकदम खुश हो गए वो लोग भी, क्योंकि उनको लगा कि अब ये जो सिटेशन है ना वो तो अब ख़त्म ही है, उनको ऐसा लगा जब उन्होंने तो पैसे उसके ऊपर चलाया तब, ठीक है। चलिए अभी आगे देखते हैं, द सेल रीच्ड इट्स टारगेट, यानी वो जो गोला था वो अपने टारगेट पे तो पहुंचा, इट हिट द एनिमल, उसने एनिमल को भी मारा, बट बाउंस ऑफ, लेकिन क्या हो गया, वो बाउंस हो गया, इट्स राउंडेड सरफेस एंड वैनिश्ड इन टू द सी 2 miles away, यानी जो उसका राउंड सा सरफेस था उससे वो टकराया, और उससे टकरा करके 2 मील की दूरी पर जा करके पता नहीं कहाँ वो गायब हो गया, ठीक है। ओह ड्रैट, सेड द ओल्ड गनर इन हिज एंगर, दैट मॉन्स्टर मस्ट बी कवर्ड विथ 6-inch आर्मर प्लेट। क्या बोला इन्होंने, ये जो ओल्ड गनर थे वो कहते ओह ड्रैट, मतलब एक दुख का वो भाव प्रकट करते हैं, ठीक है। उन्होंने क्या सोचा था कि आज तो ये सी मॉन्स्टर गया, लेकिन फिर भी वो बच जाता है, तो इसीलिए वो कहते ओह ड्रैट, सेड द ओल्ड गनर, ऐसा ओल्ड गनर कहते हैं, दैट मॉन्स्टर यानी कि वो जो राक्षस है, ये जो समुद्री राक्षस है, वो 6-inch आर्मर प्लेट से कवर्ड है। 6-inch आर्मर प्लेट का मतलब क्या हुआ, जैसे युद्ध पे जाने के लिए कैसे आर्मर प्लेट पहनते हैं, तो उसकी बात की जा रही है, ठीक है। फिर आगे देखो, द हंट वॉज ऑन अगेन, मतलब फिर से हंटिंग चालू हो गई, आर आफ्टर आर वेंट बाय विदाउट द एनिमल शोविंग द लिस्ट साइन ऑफ वियरीनेस, यानी ऐसे करके घंटे 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 और घंटे बीतते गए, लेकिन वो जो एनिमल था ना वो बिना थके हमसे लड़ाई करते जा रहा था, मतलब उसके ऐसा नहीं लग रहा था कि वो कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो थका हुआ है। हाउ एवर इट मस्ट बी सेड दैट वी टू स्ट्रगल ऑन टायरलेसली, और ये भी कहा जा सकता है कि हम भी, मतलब उसके वो तो थका हुआ नहीं था, सही बात है, लेकिन हम भी बिना थके उसके साथ स्ट्रगल कर रहे थे, ठीक है। चलो अभी आगे देखते हैं, एट 10:50 इन द इवनिंग दैट इलेक्ट्रिक लाइट री अपियर 3 miles away फ्रॉम द फ्रिगेट जस्ट एज क्लियर एंड इंटेंस एज नाइट एज द नाइट बिफोर। फिर क्या होता है कि शाम को, मतलब शाम को लगभग 10:30 बजे, नहीं 10:50 यानी 10:50 को, दैट इलेक्ट्रिक लाइट, वो जो इलेक्ट्रिक लाइट थी वो फिर से हमको दिखाई दी, जैसे पहली रात को दिखाई दे रही थी एकदम क्लियर वैसे ही, क्योंकि अभी रात हो चुकी थी ना, तो वो रात के अंधेरे में वो लाइट दिखती थी, तो जब भी रात हुई तो ये लोगों को वो लाइट दिखी जैसे उनको पहले दिख रही थी, ठीक है। द मॉन्स्टर सीम मोशनलेस, जो मॉन्स्टर था वो कैसा दिख रहा था, एकदम मोशनलेस यानी कि वो थोड़ा भी चल नहीं रहा था। वॉज इट एस्लिप परहैप्स, मतलब शायद हो सकता है कि वो क्या कर रहा था, सो रहा था। वेरी फ्रॉम इट्स वर्क डे, यानी कि उसने दिन भर इतनी जो मेहनत की थी तो उससे वो थका हुआ होगा, इसीलिए शायद वो सो रहा था। जस्ट राइडिंग विद द वेव्स, वो क्या कर रहा था, जो वेव्स थे यानी जो लहरें थी उसके ऊपर वो तैर रहा था उनके साथ साथ। दिस वॉज आवर चांस एंड कमांडर फैरेगट डिसाइडेड टू टेक फुल एडवांटेज ऑफ हिट इट ही गेव हिज ऑर्डर्स। देखो
अभी ये हमारा चांस था, जो मतलब अभी हमारी बारी थी, क्योंकि वो तो आराम कर रहा था, थका हुआ था, ठीक है। तो अभी इनके पास चांस था उसको पकड़ने का, उसके ऊपर अटैक करने का। तभी जो कमांडर फैरगेट थे, उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने निश्चय किया कि वो क्या करेंगे, इसका पूरा के पूरा फायदा उठाएंगे, एडवांटेज ऑफ इट, यानी पूरा के पूरा वो इसका फायदा लेंगे। उन्होंने ऐसा डिसाइड किया। ही गेव हिज ऑर्डर, फिर उन्होंने आदेश दिया। क्या आदेश देते हैं देखो यहाँ पे, मतलब उन्होंने ना आदेश दिया इसका फायदा उठाने के लिए, इसके ऊपर हम लोग क्या करें, ये जो एनिमल है अभी ये थका हुआ है, तो इसके ऊपर हम लोग हमला करके इसको मार सकते हैं। द फ्रिगेट अप्रोच्ड विदाउट मेकिंग अ साउंड, स्टॉप टू केबल लेंथ फ्रॉम द एनिमल। देखो क्या होता है, जो फ्रिगेट था वो बिना साउंड किए चुपचाप से वो जो एनिमल था उसके पास ये लोग पहुंचे, और फिर कहाँ पे जा कर के रुके, तो स्टॉप टू केबल लेंथ। टू केबल लेंथ मतलब एक डिस्टेंस होता है, जैसे एनिमल और इनकी जो शिप है उनके बीच के जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस मतलब जैसे हम लोग डिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं, वैसे ही केबल लेंथ भी होता है, जैसे सेंटीमीटर किलोमीटर कहते हैं ना, वैसे ही केबल लेंथ भी होता है। तो ये लोगों ने इतने दूर, ये लोग एनिमल से इतने दूर वो लोग पहुँच गए, इनकी जो फ्रिगेट थी, इनकी जो शिप थी, वो लोग पहुँचे। अ प्रोफाउंड साइलेंस रीन ओवर द डेक, यानी डेक के ऊपर एकदम शांति फैली हुई थी, एकदम सब लोग चुपचाप से थे, ठीक है। वी वर नॉट 100 फीट फ्रॉम द ब्लेजिंग कोर ऑफ लाइट हुज ग्लो ग्रीव स्ट्रॉन्गर एंड डेजल द आईज, यानी कि वो जो एकदम प्रकाश था, वो प्रकाश कैसा था, बहुत ही ज़्यादा चमकीला था, मतलब आंखों को एकदम ऐसा लग रहा था कि वो क्या कर देगा, चकाचौंध कर देगा, ठीक है। डेजल्ड यानी क्या होता है ना बच्चों, चौंधिया देने वाला। और यहाँ पे एक और वर्ड है ब्लेजिंग, ब्लेजिंग यानी क्या होता है, जैसे एकदम से जगमग जगमग नहीं करता हुआ, तो वो ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या कहते हैं कि वो जो एकदम से जगमग जगमग वाला जो प्रकाश था, हम उससे कितनी दूरी पर थे, तो लगभग लगभग 100 फिट की दूरी पर थे, जो वो जो प्रकाश था वो कैसा, ऐसा हमारे आंखों में ऐसा लग रहा था कि हमको क्या कर देगा, चकाचौंध कर देगा, यानी कि अंधा कर देगा, ऐसा लग रहा था, ठीक है। चलो अभी आगे देखते हैं, फाइनली ये लेसन जो है अभी हमारा कंप्लीट होने वाला है। जस्ट देन लीनिंग ओवर द फोरकासल रेलिंग आई जान नेड लैंड बिलो मी ब्रांडाइसिंग हिज ड्रेडफुल हार्पून बेरली 20 फीट सेपरेटेड हिम फ्रॉम द मोशनलेस एनिमल। देखो यहाँ पे अभी नरेटर क्या कहते हैं कि तभी मैंने क्या देखा कि मतलब जब भी मैंने रेलिंग से नीचे झांक करके देखा, तो जो नेड लैंड थे वो क्या कर रहे थे, जो उनका भाला था उसको वो और भी चमका रहे थे, उसको और भी धारदार कर रहे थे। और यहाँ से जो वो एनिमल था, जो एनिमल था मोशनलेस जो एनिमल था, उसकी और हमारे बीच की दूरी कितनी थी, 20 फिट की थी। कितनी थी, 20 फिट, यानी अभी ये लोग ज़्यादा दूर नहीं थे। ऑल एट वंस हिज आर्म शॉट फॉरवर्ड एंड द हार्पून वॉज लॉन्च, यानी अभी उन्होंने क्या किया, अपना हाथ उठाया और फिर जो हार्पून था, यानी जो भाला था, उसको ऐसे करके फेंक दिया। आई हर्ड द वेपन मेक अ रिंगिंग साउंड एज इफ इट हैड इट हिट सम हार्ड सब्सटेंस, यानी जैसे मतलब उन्होंने जब भी वो भाला फेंका, वो जो उनके हाथ में हार्पून था उन्होंने फेंका, तो वो ना कैसे करके आवाज़ कर रहा था, रिंगिंग यानी खन जैसा आवाज़ होता है ना, वैसे ही इनको आवाज़ सुनाई दी उसी सब्सटेंस की वजह से। अभी उन्होंने फेंका, ठीक है, तो वो क्या था, वो एक्चुअली में क्या था, एक सबमरीन था, ठीक है। तो जब वो भाला उसके ऊपर गया ना, तो एक खन्ने जैसी आवाज़ उनको सुनाई दी। ओके, द इलेक्ट्रिक लाइट सडनली वेंट आउट, यानी अचानक से जो इलेक्ट्रिक लाइट थी वो गायब हो गई, एंड टू एनोमलस वाटर स्पाउट्स क्रेज्ड ऑन टू द डेक ऑफ द फ्रिगेट, और दो वाटर स्पाउट जो हमारा फ्रिगेट था, ठीक है, उसके डेक से आकर के टकराए। वाटर स्पाउट मतलब पानी की तेज धार होती है ना वो, ठीक है। वाटर स्पाउट मैंने आप लोगों को बताया था, तो उससे ये वाटर स्पाउट आकर के इन लोगों से टकराए, इनके फ्रिगेट से। रेसिंग लाइक अ टोरेंट फ्रॉम वन एंड ऑफ द शिप टू द अदर टॉपलिंग क्रू मैन ब्रेकिंग स्पेयर मास्ट एंड यार्ड आर्म्स फ्रॉम देयर लैशिंग्स। देखो अभी इसकी वजह से क्या होता है, जो सभी कर्मचारी थे वो लड़खड़ाने लगे एक सिरे से दूसरे सिरे तक, ठीक है, ऐसे करके वो पूरा लड़खड़ाने लगे, और जो उनके मास्क थे वो भी टूटने लगे, और यार्ड आर्म्स यानी कि जो यार्ड आर्म्स मतलब जो इनके बाहरी दरवाजे थे इनके शिप के, वो भी सभी क्या होने लगे, टूट गए इसकी वजह से। ओके, अ हीडियस कोलाइजन अकर्ड एंड थ्रोन ओवर द रेल विथ नो टाइम टू कैच होल्ड ऑफ इट आई वॉज हर्ल्ड इन टू द सी। अभी देखो यहाँ पे जो नरेटर है वो क्या बोलते हैं कि ऐसी भयंकर टक्कर हुई,
ठीक है, इसके कारण क्या हुआ, मैं रेलिंग को, मतलब वो जो रेलिंग थी शिप में, मैं उसको पकड़ने से पहले ही, मतलब मैं उसको पकड़ना चाहता था, लेकिन पकड़ने से पहले ही क्या हो गया कि मैं वो जो समुद्र था ना उसमें गिर गया था, यानी मुझे उस समुद्र में फेंक दिया गया। अभी फेंक दिया गया मतलब क्या, ये गिर गई, इतनी ज़ोरदार वो टक्कर हुई ना, इसकी वजह से वो रेलिंग को पकड़ भी नहीं पाए शिप की, और वो पूरा के पूरा नीचे वो समुद्र में गिर गए। ठीक है, तो ये थी बच्चों स्टोरी, आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ओके, तो यहाँ पे मैंने ये लेसन कंप्लीट कर दिया। अब भी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी इसका क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो स्टूडेंट देखिए, मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि इसके क्वेश्चन आंसर का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। देखो इसके साइड साइड में ये जो क्वेश्चंस रहते हैं ना, इनके भी आंसर मैंने दिए हैं। ठीक है, ये जो साइड साइड में क्वेश्चंस रहते हैं ये सभी, ओके, तो इन सभी के आंसर मैंने दे दिए, और फिर इंग्लिश वर्कशॉप के भी आंसर दिए हैं। तो आप क्वेश्चन आंसर का वीडियो देखोगे ना तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।